हेलो बच्चों, आज हम थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स के सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आपका सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में अंतर, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहले देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर आप इसे लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको लगेगा कि दोनों सेम है, ग्रोथ और डेवलपमेंट का मीनिंग सेम ही है, बट डीप इनसाइड इनका मीनिंग बहुत डिफरेंट है। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास, सॉरी आर्थिक समृद्धि। इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक समृद्धि का मतलब होता है किसी देश के उत्पादन में वृद्धि होना, या फिर कह सकते हैं किसी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना। वहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि उत्पादन के साथ साथ तकनीक और राष्ट्रीय कल्याण में भी वृद्धि होना। देखो, जहां पर आपकी आर्थिक समृद्धि होगी वहां पर उसका मतलब सीधा उत्पादन या प्रोडक्शन से होगा। आपसे पूछता है कि आर्थिक समृद्धि, तो आप सीधे सीधे बोल देना कि जहां पर राष्ट्रीय आय इंक्रीज होती है उसे आर्थिक समृद्धि कहते हैं, और जहां पर प्रोडक्शन के साथ साथ टेक्निक और अदर फैक्टर भी इंक्रीज होते हैं उसे कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो डिफरेंस बेसिक सा है कि अगर बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ की तो वहां सिर्फ एक फैक्टर आता है, क्या? उत्पादन। और बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, वहां दो फैक्टर आते हैं, उत्पादन जमा तकनीक। तो यहाँ पर सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो आर्थिक समृद्धि वो छोटा है, नेरोअर है, ठीक है, और आर्थिक विकास है वो ब्रॉडर है, बड़ा कंसेप्ट है। जब भी आर्थिक विकास की बात होगी तो इसमें कई सारे पॉइंट इन्वॉल्व हो जाएंगे, जहां पर राष्ट्रीय कल्याण आएगा, रोजगार आएगा, उत्पादन भी आएगा, लेकिन इसमें सिर्फ उत्पादन आएगा, ठीक है? अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होता है। क्या? कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर बताइए एवं आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। ऊपर लिखा होता है 20 नंबर। अब देखो, बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको समझना है इसके अंदर क्या दोनों का मीनिंग। तो मैंने आपको बता दिया कि दोनों का मीनिंग क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब बात करते हैं कि इसको प्रभावित करने वाला कारक, प्रभावित मतलब ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। क्वेश्चन पूछना चाहता है आपसे कि आर्थिक विकास कब ज्यादा होता है और कब कम होता है, या फिर कब आर्थिक विकास ज्यादा हो पाएगा और कब कम हो जाएगा। जैसे प्राकृतिक संसाधन, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो देश अल्प विकसित होते हैं उनके पास प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में, काफी ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होते हैं, बट पुअर टेक्नोलॉजी के लो या फिर अनस्किल्ड पीपल के लो, जो उस नेचुरल रिसोर्सेस को इतनी मात्रा में, जो रिसोर्सेस होते हैं उनको यूज नहीं कर पाते अच्छे से। तो हमारा मोस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस अनयूज रह जाते हैं, ऑप्टिमाइज नहीं हो पाते प्रॉपर। लेकिन वही विकसित देश होते हैं वो थोड़े थोड़े से रिसोर्सेस से भी बहुत ज्यादा फायदा उठा लेते हैं, क्योंकि उनको आप पता है कि इसको कैसे यूज करना है, ठीक है? तो देखो, जैसे इंडिया और जापान को ले लो, इंडिया के अंदर नेचुरल रिसोर्सेस की कमी नहीं है। अगर आप देखोगे बुक्स में देखोगे या नेट पे देखोगे कि तो नेचुरल रिसोर्सेस बहुत ज्यादा मात्रा में है, लेकिन फिर भी हमारा विकास धीमे हो रहा है। वहीं जापान देख लो, जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेस बहुत कम है, लेकिन आपको पता है वो किस हद तक विकसित है। तो जो मेन पॉइंट यहाँ पर यह है कि उसको यूज करना, ऑप्टिमाइज करना, यूटिलाइज करना रिसोर्सेस को, ठीक है? तो देखो, जो देश अपने देश के नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन को अच्छे से यूज करता है उसका आर्थिक विकास बड़ी तेजी से होता है, और जो यूज नहीं कर पाता उसका बड़ा धीरे होता है, सिंपल। सेकेंड पॉइंट, पूंजी, कैपिटल। आपको कोई भी छोटा या बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है,
तो ऐसा कोई बिजनेस बताओ जो बिना कैपिटल के शुरू होता है, जहाँ आपको पैसा लगाना नहीं पड़ता, पैसा मशीन या कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, होगा ही नहीं। अगर आपको कुछ पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, तो सिंपल सी बात है, पहले आपको पैसा लगाना पड़ेगा। जो पैसा आप लगाते हो, मशीन लगाते हो या कुछ टेबल फर्नीचर कुछ भी लगाते हो, तो आपकी कैपिटल होती है, पूंजी होती है। ठीक है, पूंजी का मतलब कैश नहीं होता, पूंजी मशीन भी होती है, पूंजी आपके बेसिक इक्विपमेंट भी होते हैं, फिक्स असेट भी होते हैं आपके। ठीक है, तो देखो, जिस देश के पास प्रॉपर कैपिटल है, जिस फर्म के पास प्रॉपर कैपिटल है, जिस बिजनेस में प्रॉपर कैपिटल है, वो ग्रोथ करेगा करेगा, उसका विकास होना जो हो, विकास हो ही होगा। पहले उत्पादन करेगा, फिर उस टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करेंगे। जैसे आपके पास फोन होता है, तो पहले फोन का वर्जन डाउन होता है, फिर उसे आप अपग्रेड कराते हो, फिर और अपग्रेड कराते हो। तो ऐसे ही यहाँ पे भी होता है, एक छोटा बिजनेस है, उसने प्रॉफिट कमाया, लगा दिया प्रॉफिट दोबारा, तो और बड़ा हो गया, फिर वो और बड़ा हो गया। तो देखो, पूंजी से आप विकास कर सकते हो, बट जिस देश के पास पूंजी ही नहीं है, वो विकास कहाँ से करेगा? तो देखो, विकास को प्रभावित करने वाला सेकंड कारक क्या है? पूंजी। पूंजी अच्छी खासी है तो विकास होगा, पूंजी नहीं है तो विकास नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, पूंजी उत्पाद अनुपात, कैपिटल आउटपुट रेशियो। अब इसमें क्या होता है, देखो कैपिटल तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन उत्पाद, अब उत्पाद का क्या मतलब है? तो देखो, कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि हम कितना पैसा लगा रहे हैं, कितनी कैपिटल लगा रहे हैं, और बदले में कितना मिल रहा है हमको। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट करा है, उसमें मैंने 1 लाख का निवेश करा है। ठीक है, 1 लाख का निवेश करने के बाद मुझे वहां से रिटर्न, प्रॉफिट बदले में सिर्फ 2,000 रुपये मिल रहे हैं। तो इससे अच्छा तो मैं अपने वो पैसा किसी बैंक में डाल देता, किसी लोन, किसी को लोन दे देता, वहां से मुझे ज्यादा ब्याज मिल जाता, इंटरेस्ट मिल जाता, तो यहाँ पे मेरा लॉस हो रहा है ना। तो देखो, आप विकास तभी करेंगे जब आपको अच्छा पूंजी उत्पाद अनुपात, कैपिटल आउटपुट रेशियो मिलेगा। जैसे जो देश विकसित होते हैं, डेवलप्ड होते हैं, उनके पास बेनिफिट क्या होता है कि उनपे इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी होती है ना, इतने अच्छे स्ट्रेटेजी होती है, इतने अच्छे मैनेजर्स होते हैं, इतने स्किल्ड लेबर होते हैं, कि वो ना थोड़ी सी पूंजी ज़्यादा उत्पाद कमा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अमेजोन है, बड़ी बड़ी कंपनी देखो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और जितनी बड़ी कंपनियां देख लो आप, इनमें इन्होंने क्या था, शुरू में पैसा लगा दिया, एक बार पैसा लगा दिया, अब इनको रिटर्न कितने ज़्यादा मिल रहे हैं। हालांकि वो उस चीज़ को मेंटेन करते हैं और भी जगह पैसे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हाँ, इनका जो कैपिटल आउटपुट रेशियो ना बहुत ज़्यादा है, कि थोड़ा पैसा लगाया लेकिन कितना पैसा मिला है इनको। वहीं अब कोई किसान है, वो बेचारा मान लो 50,000 रुपये खर्च करता है खेत के अंदर, तो उसे कितना मिलता है? 5,000, 4,000, 6,000 मिलता है, तो कैसे विकास हो पाएगा उसका? ठीक है, तो देखो, आपका पूंजी उत्पाद अनुपात, कैपिटल आउटपुट रेशियो जितना हाई होगा, जितना ज़्यादा होगा, आपका देश, आपकी अर्थव्यवस्था उतनी तेजी से विकास करेगी, इंक्रीज करेगी, अदरवाइज इसका उल्टा होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर फोर्थ, टेक्निक, तकनीक। चलो आप मुझे बताओ, एक किसान है, एक किसान बैल को यूज़ कर रहा है और एक किसान मशीनरी को यूज़ कर रहा है, ट्रैक्टर लगा लो या हार्वेस्टर लगा लो, इनको यूज़ कर रहा है। ठीक, तो उत्पादन कहाँ ज़्यादा होना है? ये तो छोटा बच्चा बता देगा कि जहाँ पर मशीनें यूज़ हो रही है, ट्रैक्टर यूज़ हो रहे हैं, हार्वेस्टर यूज़ हो रहे हैं, उत्पादन वहाँ ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भाई, बैल है, बैल भले ही खेती के यूज़ में लाए जाते हैं, बट होते तो एनिमल, जान है उनके अंदर, जीव है, वो भी थकेगा, पानी पिएगा, खाना खाएगा, इंसान वाली एक्टिविटी करेगा कुछ। ठीक है, बट मशीन, मशीन को आप भले 24 घंटे चला लो, दिन में 7ों दिन चला लो, 365 दिन चला लो, ठीक है, वो ना थकेगी, खाली पेट्रोल डालो, चलाते रहो बस, उसे कोई मतलब नहीं है कि क्या है क्या नहीं, उसकी कैपेसिटी को फुली यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर यही हाल आप बैल के साथ या जानवर के साथ करोगे, तो वो थक जाएंगे, और ज़्यादा ही उनको परेशान करोगे तो वो मर भी सकते हैं। ठीक है, तो देखो, मेरे यहाँ पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि जो देश लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, उनका आर्थिक विकास बड़ी तेज़ी से होता है, और जो देश पुरानी टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल अप्रोच पे काम करते हैं, उनका आर्थिक विकास बहुत धीमा होता है। ठीक है, फिफ्थ, जनसंख्या। एक देश के आर्थिक विकास में जनसंख्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? आज जापान इतना आगे है, उसका रीज़न यह है कि जापान की जो ज़्यादातर जनसंख्या
ज़्यादातर क्या है, मैक्सिमम जनसंख्या है लगभग सारी वो एजुकेटेड है और लिटरेट है, पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, स्किल्ड है। उन्हें पता है कि हमें क्या काम करना है, उनमें बेईमानी नाम की चीज़ नहीं होती है। एक आध को छोड़ दो, सारे अच्छे लोग हैं वहाँ पे, अच्छे इन द सेंस सबको नॉलेज है कि मुझे क्या करना है। वहीं आप अपने देश की बात कर लो, इंडिया की, यहाँ पर लोग काम करना नहीं चाहते, और काम करते भी है तो इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है ना कि जो लाख जो बंदा 50,000 की जॉब डिजर्व करता है वो 10,000 में काम कर रहा होता है। अब सिंपल सी बात है, देश हम लोगों से जुड़ के बनता है। अगर हमारी इनकम कम होगी तो नेशनल इनकम कैसे इंक्रीज हो पाएगी? सिंपल सी बात है, एक घर के 5 मेंबर है, घर के 5ों मेंबर की इनकम कम है तो टोटल घर की इनकम ज़्यादा कैसे हो सकती है? जब घर की इनकम भी कमी होगी, सेम यहाँ पर है। तो देखो, जिस देश की आबादी एक तो लेबर पे कम डिपेंड है, टेक्नोलॉजी पे, या फिर स्किल्ड है, अच्छी खासी स्किल्ड है, प्रोफेशन में लगी हुई है, बिजनेस में लगी हुई है, वो देश बड़ी तेजी से प्रोग्रेस करता है, वो देश विकास की ओर बड़ी तेजी से चलता है। वहीं जिस देश की आबादी अनस्किल्ड है, उन्हें पता नहीं उन्हें क्या काम करना है, बस वही ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करते जा रहे हैं, मेरे दादा ने ये करा था तो मैं भी ये करूंगा, पापा ने ये करा था मैं भी ये करूंगा, हमें कुछ अलग नहीं करना, कुछ नया नहीं करना, वो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो ज़्यादा पॉपुलेशन होना गलत बात नहीं है, ज़्यादा इलिटरेट पॉपुलेशन होना, अनस्किल्ड होना, ये गलत बात है। ठीक है, आर्थिक संगठन, आर्थिक आर्थिक मतलब पैसों से रिलेटेड, इकोनॉमिक। जिन देशों में आर्थिक संगठन ज़्यादा होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बैंक हो गया, वित्तीय संस्था हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो गई, वो देश तेजी से आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे किसी बंदे के मन में कोई बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया आया है तो उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपना आइडिया बैंकों को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देता है कि सर मुझे ये करना है, क्या आप मुझे पैसा अवेलेबल कराओगे, क्या आप मुझे फाइनेंस करोगे, क्या आप मुझे स्पॉन्सर करोगे? वो कहते हैं हाँ, उन्हें आइडिया पसंद आता है तो बोलते हैं हाँ सही है, हम देने को तैयार है। वहीं अपने देश में देख लो, आपको सोचना पड़ता है कि बैंक से मैं किस ब्याह पे लोन लूँ, मुझे इतने डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, मुझे ये होगा, मुझे वो होगा, मुझे यहाँ चक्कर काटने पड़ेंगे, पता नहीं कब तक लोन आएगा कब तक नहीं आएगा। तो जो आपके अंदर एक प्रतिमा, जो आपके अंदर प्रतिभा होती है कि मुझे ये काम करना है, एक टैलेंट होता है, वो मर जाता है, फिर आप वही छोटी मोटी नौकरी करते हो, आपका पूरा जीवन उसी में निकल जाता है। तो देखो, आर्थिक संगठन होना अच्छी बात है, और वो टेक्निकली लोगों पे ट्रस्ट करे तो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, अब देखो, ये तो थे आपके आर्थिक कारक, आर्थिक कारक मतलब इकोनॉमिक फैक्टर्स, वो पॉइंट्स, वो फैक्टर्स जो डायरेक्टली पैसों से रिलेट करते हैं, डायरेक्टली इनकम से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, और ये फैक्टर्स है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स, मतलब जो रिलेट तो करेंगे पैसों से बट डायरेक्टली नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली करेंगे, वो आपको सीधा सीधा प्रभावित नहीं करेंगे, वो घुमा फिरा के करेंगे। कैसे? सामाजिक कारक। देखो, आपको पता है कि देश समाज से बनता है, लोगों को जोड़ते हैं तो समाज बनता है, समाज को जोड़ते हैं तो देश बनता है। अब जिस देश के लोग रूढ़िवादी होंगे, पुरानी प्रथा पे चलेंगे, अपने या देश के विकास के बारे में नहीं सोचेंगे, वो सिर्फ वही पुरानी घिसी पिटी रूढ़िवादिता वाली बातें करेंगे, वही मान्यताओं पे काम करेंगे, वही पुरानी ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करेंगे, तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे? अगर वो लोग सोचेंगे कि जैसे हमारे पिता ने काम करा है, जैसे हमारे दादा खेतों में काम करते थे, बैल चलाते थे, तो वही हम करेंगे, तो वो देश आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समाज को अपना नजरिया बदलना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। अगर समाज वही है तो आर्थिक विकास बहुत धीमा होगा, या हो सकता है हो भी ना। तो इसलिए हमें अपना नजरिया, अपने संकुचित माइंड को, जो नेरो माइंड है उसको ओपन करने की जरूरत है, ब्रॉडर माइंड करने की जरूरत है, हम चीज़ों को ना एक्सप्लोर कर सके, हम नई चीज़ें जानने के इच्छुक हो, कुछ इनिशिएटिव लेने को तैयार हो। सेकंड पॉइंट, राजनीतिक कारक। अब देखो, हमारा देश राजनीति में ज़्यादा घुसा हुआ है, लोग अपने काम से ज़्यादा दूसरे लोगों को में को महत्व दे रहे हैं आजकल, कि हमें नेता बनना है, हमें ये करना है, हमें पॉलिटिक्स से जुड़ना है, आपस में ही राजनीति करते हैं। अब जो इंसान इन कामों में घुसा हुआ है वो कैसे आगे अपने इनकम के सोर्सेस को बढ़ाएगा? और सिंपल सी बात है, आप इनकम के सोर्सेस को नहीं बढ़ाओगे तो आप कैसे देश के आर्थिक विकास में योगदान दोगे?
जिस देश की राजनीति राजनीति के नेता या कह सकते हैं पॉलिटिक्स में घुसे हुए पॉलिटिशियंस ईमानदार हैं, ट्रांसपेरेंसी है वहाँ पे, तो वो बड़ी तेजी से विकास करता है। और जहाँ के नेता, जहाँ के राजनीति, जहाँ के लोग करप्ट हो, उसका विकास आगे होना तो बहुत दूर की बात है, पीछे खिसक जाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर थर्ड, धार्मिक एवं ऐतिहासिक कारक। इसके अंदर क्या होता है, कई सारे लोग या एक बहुत बड़ा समुदाय सिर्फ जात पात धर्म हिंदू मुस्लिम बाबरी मस्जिद राम मंदिर इनमें घुसा रहता है। अब जब वो सब लोग इन चीज़ों में घुसे रहेंगे तो कब काम करेंगे, कब देश की तरक्की में योगदान देंगे, कब देश का विकास बढ़ाएंगे? हमारे जो नेता होते हैं वो कई बार इस चीज़ का फायदा उठा लेते हैं। किसी भी देश में ये होगा, अगर ऐसा हो वहाँ के लोग अगर धर्म में घुसे रहते हैं तो वो क्या करते हैं, इस चीज़ का फायदा उठाते हैं। वो लोगों को बोलते हैं कि हमें वोट दो, हम इस धर्म के लिए काम करेंगे, हमें वोट दो हम उस धर्म के लिए काम करेंगे, हम मंदिर बनाएंगे मस्जिद बनाएंगे। और लोग जिनकी संकुचित सोच होती है वो क्या करते हैं, हाँ ये नेता बड़ा बड़ी अच्छी बात कर रहा है, हमारे लिए मंदिर बनाएगा। यार मंदिर बनेगा तो आप पूजा करनी है ना मंदिर में, आपको भगवान भी चाहते हैं आप कर्म करो, भगवान थोड़े चाहते हैं कि आप ऐसे आवारा घूमो लड़ाइयाँ करो, भगवान चाहते हैं कर्म करो, कर्म मतलब अपना काम करो जिस काम के लिए आप बने हो। आप ऐसे आवारागर्दी करोगे, लड़ाइयाँ करोगे, बंदूकें चलाओगे, गोली चलाओगे, धर्म के नाम पे लड़ाई करोगे, हिंदू मुस्लिम करोगे, तो भगवान ये आपका भला नहीं करेगा, देश तो दूर की बात है। ठीक है, तो देखो जिस देश के लोग धार्मिक और ऐतिहासिक चीज़ों में घुसे रहेंगे वो विकास नहीं करेगा, और करेगा भी तो बहुत से लोग करेगा। ठीक, और जिस देश के लोग ब्रॉडर माइंड के होंगे, उन्हें मतलब नहीं हिंदू मुस्लिम से, उनके लिए सब इंसान है। ठीक है, वो बड़ी तेजी से विकास करेगा। तो देखो कल मैंने आपको कराया था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, आज आपको कराया है आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास में अंतर और आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 99.9% आने आने एग्जाम में आपके ये। और देखो एक बार नोट करना, जो आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में कराया था, जो पॉइंट्स कराए थे, कई सारे पॉइंट्स यहाँ पर रिपीट हुए हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधन, पूंजी, टेक्निक, जनसंख्या और धार्मिक ऐतिहासिक कारक। मैं वो यही बात बताना चाहता हूँ कि एग्जाम में मेरा कराया हुआ 99% आएगा आएगा। अगर एक पल को माना कि नहीं भी आता, एक पल को मान लेता हूँ कि नहीं आ रहा, तो इतना तो मैं आपको करा दूंगा कि आप अपने आप कर सको, उनको अटेम्प्ट कर सको। और हाँ ये मेरी गारंटी है कि आप अगर मेरे तरीके से चलते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, जैसा कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चों के, एसओएल के बच्चों के, बाकी तो बात नहीं कर रहा मैं, एसओएल की बता रहा हूँ आपको, एसओएल की, एसओएल में 80 नंबर भी आए हैं 100 में से, और 80 नंबर बहुत अच्छा स्कोर बना जाता है, आपको पता हो तो। रेयर बच्चे होते हैं जिनके 80 मार्क्स आते हैं, बस उन बच्चों में फर्क इतना था उन बच्चों ने बात को फॉलो किया, जैसा कराया वैसा करते गए, यहाँ कराया उन टॉपिक से सुना अच्छे से समझा और घर पे जाके उनको रीड कर लिया, बाकी कोई आसमान से उड़ के नहीं आए थे, वो आपके जैसी है, बस वो जो करा रहे हैं उस पर ध्यान दे रहे हैं, इतना ही फर्क है उनके अंदर। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू। हाँ वीडियो को लाइक शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करें भाई। और हाँ जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।